जैसे हमने पिछले कुछ पार्ट में देखा था कि फ्रैंकलिन बना हुआ है डॉन और शिनचैन को बनना था पुलिस ऑफिसर, तो शिनचैन यहाँ चले जाता है और बहुत ज्यादा यार चैलेंजेस करता है, मतलब बहुत ज्यादा उसको टास्क मिलते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो शिनचैन बन जाता है एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर। शिनचैन कॉल आउट होती है बुगाड़ी शिरोन जो की थी पीएस गैंगस्टर की, लेकिन यार आज देखिए फिर शिनचैन उस बुगाड़ी शिरोन से जाता है बहुत सारे क्राइम मिटाने के लिए और शिनचैन बन चुका है बहुत बड़ा पुलिस मतलब दरोगा। अब देखिए गाइस अब होने क्या वाला है आज के एपिसोड में, शिनचैन क्या क्या धमाल करने वाला है। तो क्या हाल चाल है, एक और नई गेम प्ले वीडियो में पीएसएस गेमर का मतलब यार पीएसएस गेमर की वीडियो में। और गाइस आज मैंने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, पता ही होगा कि यार मेरे को यार एक यूनिफॉर्म अलॉट हुई है क्योंकि आई एम द पुलिस ऑफिसर। अरे गाइस अब मैं पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, बाबा सब सिज्जा पुलिस ऑफिसर बन चुका है, उसकी दूर पार्टी यू निधि मैं दूंगा सैलरी आएगी ना पहले ही बा। अरे अरे हाँ सैलरी आएगी फिर दे देना शिनचैन भाई। ब्रूनो कहाँ से बोल रहे, ब्रूनो कहाँ पे है? आ गया आ गया आ गया, अभी उठ के आया क्या? और नहीं तो क्या, चलो जल्दी आ जल्दी आओ अपने खिलौने के पास चलते हैं। अब आ तो खिलौना व्हाट्स अ खिलौना खिलौना चल जल्दी से। ओके सो गाइस यार हमें तो अपना स्टाफ क्वार्टर भी अलॉट हो चुका है, लेकिन हम उस स्टाफ क्वार्टर में जा रहे हैं फ्रैंकलिन भैया, नहीं तो खफा हो जाएंगे। गाइस ये रही हमारी गड्डी, बाबा साहब वो गड्डी। हाँ भाई शिरोन, बाबा साहब हाँ हाँ भाई साहब शिरोन आ चुकी है, भाई साहब मजेदार। और क्या इसमें सायरन भी बज सकता है? अरे अरे पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, फ्रैंकलिन सर को अलर्ट कर दो। अरे अरे मैं हूँ। अरे पुलिस यार इनको लगा यार क्योंकि गाइस डॉन का घर है ना तो ऐसा होता ही है। चप्पू ब्रूनो आओगी राइट लेके चलोगी? बाबा साहब लेकिन अभी फ्रैंकलिन सो रहा है, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, फ्रैंकलिन गुस्सा करेगा। कहीं गुस्से नहीं करेंगे फ्रैंकलिन भैया को, मैंने बोल दिया था फ्रैंकलिन भैया अगर मैं घुमाने ले जाऊँ तुम गुस्सा मत करना। बाबा साहब लेकिन तूने ये मेरे को क्यों मारा? सॉरी चप्पू। बाबा साहब यार अब उठा मेरे को जल्दी से। हाँ मैं उठा रहा हूँ जल्दी से चलते हैं। ये सिगरेट ये किसकी कॉल आ रही है? बाबा साहब उठाएगा तभी तो पता चलेगी। हाँ यार उठाता हूँ। हेलो शिनचैन, शिनचैन कौन? अरे शिनचैन मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर बोल रहा हूँ। हाँ अरे शिनचैन तुम्हारे लिए मैंने एक गाड़ी अलॉट की है। कौन सी गाड़ी? तुम्हारे लिए एक दूसरी गाड़ी अलॉट की है, ये गाड़ी तुम वापस से पीएस गैंगस्टर के यहाँ पे छोड़ आओ। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप छोड़ के आओ, मैं नहीं छोड़ के आऊंगा। अरे अरे आप छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो ऑफिसर? ठीक है हाँ तुम इतने बड़े भी ऑफिसर नहीं हो, तुम हमारे अंडर काम कर रहे हो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी और इसको छोड़ दो। अरे यार चप्पू ये कौन सी बात होती है यार, बता यार ये गाड़ी अब मेरे पास नहीं रहेगी। बाबा साहब चलना मेरे को तो तूने ठोक दिया, अब इसमें क्या करूं मैं? यार ये बात थोड़ी होती है गाइस, यार देखो यार ये गाड़ी अब मैंने चलाई भी नहीं है ढंग से और ये गाड़ी वापस से जाएगी पीएस गैंगस्टर के पास और भाई मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा फिर। अरे अरे कोई वो नई गाड़ी देंगे ना? अरे नई गाड़ी वो खटारा सी दे देंगे। अरे यार मैं फ्रैंकलिन भैया को बोलूं क्या बोलूं? बाबा साहब चल भाई जल्दी से हम ही चलते हैं, फ्रैंकलिन को तंग मत कर, रात को वैसे वो बहुत लेट सोया। तो फाइनली गाइस मैंने अपनी वर्दी भी चेंज कर ली, मतलब वर्दी पहन ली है। बाबा साहब हम सोच रहे थे कि यार शिनचैन तू बड़ा ऑफिसर है। हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था कि फ्रैंकलिन भैया और पीएस गैंगस्टर की तरह मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं सबकी वार्ड लगा के रखूंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा ऑफिसर भी नहीं हूँ गाइस, क्योंकि बड़ा सा ही को सीनियर ऑफिसर मेरी वार्ड लगा दे रहा है। बाबा साहब और नहीं तो क्या हो रहा है भैया, गाड़ी तेरे को वापस करनी पड़ेगी। चलो यार बताया यार 20 करोड़ की गाड़ी चला रहा था, मुझे लगा कि हम यार बड़े ऑफिसर हैं। अरे सर बड़े ऑफिसर होते तो सिक्योरिटी पीछे नहीं चल रही होती। बात तो तुमने सही कह दी यार, सिक्योरिटी भी पीछे नहीं है। बाबा साहब अब देखिए कितनी स्पीड में भागती है। ओ भाई साहब ये तो बहुत पागल हो जाती है एकदम से, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज भागती है गाइस ये गाड़ी। और यार अब पता नहीं अब कौन सी गाड़ी मिलेगी जब वो 50-100 की स्पीड में भागा करेगी। मैं भाई बात अब इतनी भी धीरी नहीं, लेकिन यार भाई ये बुगाड़ी शिरोन का मज़ा भाई चले जाएगा। गाइस देख रहे हो ना ये तो हमारा मज़ा छिन सा गया हमारे साथ। और क्या यार गाइस मैं इस गाड़ी को ना वापस से पुलिस स्टेशन पर छोड़ देता हूँ। और यार सुनो साथियों शिनचैन सर आ क्यों नहीं रहे हैं? शिनचैन सर के लिए नई गाड़ी आई है यार, अजीब लग रहा है, पता नहीं इसमें कैसी गाड़ी होगी, डायरेक्ट टो ट्रक से आई है और इधर रख दी है। अब शिनचैन सर को पता नहीं क्या फालतू की गाड़ी मिलेगी। हमें भी ऐसे लगता है सर को फालतू गाड़ी मिलेगी वो तो। यार मेरे को पता ही था कि यार शिनचैन सर तो इसी स्टाफ के मालिक हैं, तो यार यहाँ पर इनको वो कैसे मिल सकती है, मतलब एक बुगाड़ी शिरोन, बुगाड़ी शिरोन तो पीएस गैंगस्टर की है ना, और क्या तभी तो फिर ये वाली गाड़ी मंगाई है। अब देखते हैं सर को आते देखते क्या रिएक्शन होगा। भाई नींद खत्म कर ली, ओए आराम से, ओए तेरी की लगी भाई। तो गाइस क्या हाल चाल है भाई, आपका फ्रैंकलिन डॉन के लग गई है। अरे शिनचैन की गाड़ी तो इधर खड़ी थी बुगाड़ी शिरोन। फ्रैंकलिन सर बात सुनिए हमारी। हो गया भाई फ्रैंकलिन सर, अभी क्या हुआ ना शिनचैन सर को ना अपने स्टाफ से कॉल आई है, उन्होंने को बोला है कि ये जो गाड़ी है वापस तुम्हें करनी पड़ेगी और उन्हें कोई नई गाड़ी अलॉट हो रही है। नई गाड़ी? और भाई उसने तो ढंग से चलाई भी नहीं है बेचारे ने। फ्रैंकलिन सर ये ऐसे ही कुछ पंगा हो गया है। अबे यार बेचारे ने ढंग से चलाई भी नहीं और ये पंगा हो गया। फ्रैंकलिन सर भाई तो, और अब पता नहीं कैसी गाड़ी अलॉट होगी।
अरे वही तो यार, देखो शिनचैन ना ही इतना बड़ा ऑफिसर है और ना ही वो पीएस गैंगस्टर की तरह, जैसे मैं भी था ऑफिसर वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। शिनचैन एक छोटा मोटा एक थाने का मालिक है, मतलब दरोगा टाइप सा। तो यार उस वजह से यार शिनचैन को इतनी महंगी गाड़ी देना भी वर्थ नहीं है। लेकिन गाइस उसकी बहादुरी के चक्कर में तो देना चाहिए था ना उसको, इतनी बहादुरी थी उसमें। हाँ जी फ्रैंकलिन सर, देना तो चाहिए था। मैं फिर शिनचैन से पहले बात कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? मैं बाहर सब उठा। अरे शिनचैन बिना बताए चले गया तू? फ्रैंकलिन भैया क्या करूँ, आप लेट सोई थी तो मैंने चप्पू ने और ब्रू ने बोला कि आपको उठाऊँ ना, तो फिर मैंने उठाया नहीं। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं थी फ्रैंकलिन भैया, अभी मैं आकर को सब बताता हूँ। मेरे को बता दिया तुम्हारी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी ने बता दिया कि तेरी गाड़ी चेंज कर रहे हैं वो लोग। और क्या, चल भाई तू अपनी गाड़ी शिरोन को केयरफुली ले जाइयो, नहीं तो कोई ना कोई फाइन भर देंगे ये लोग। और भाई सब सायरन बजा के चलियो, सब लोग साइड हो जाएंगे। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ भाई हाँ ओके, तो गई मैं सायरन बजा बजा के चलता हूँ। ओए चचा साइड हो जा, साइड हो जा। हाँ साइड हो गया, साइड हो गया। अब आप सब देखिए भी देख भाई, मतलब यार सही गाड़ी थी, देख यार रुक गए सायरन देख करके। और क्या चप्पू ये इतनी अच्छी गाड़ी और पता नहीं कौन सी मिलेगी। अब आप सब बस यार भरोसा रख भगवान पे यार, कोई ना कोई ढंग की तो मिलेगी। और नहीं तो क्या गाइस यार, बस यार अब यही होप है कि कोई ढंग की सी मिल जाए बस, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब तो चल शिनचैन, अरे मेरी तो हिम्मत ही। अरे यार चप्पू खड़ी हुई है, मैं बात सब खड़ी होगी। शिनचैन सर गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ वेलकम तो ठीक है, मैं गाड़ी इधर पार्क कर देता हूँ, पीएस गैंगस्टर को सही सलामत दे देना, और मैंने भी सही सलामत रखी है। हाँ जी सर जी, वो तो कंडीशन देख के पता ही है, जैसी हमने आपको दी थी वैसी आपने हमें दी है। और नहीं तो क्या, चलो यार ये गाड़ी है क्या? हाँ जी सर जी। सर सैड तो लग रहा है आपके लिए? अरे मुझे भी बहुत सैड लग रहा है, पता नहीं कोई ऐसी होगी, कोई छोटी मोटी 5-6 लाख की गाड़ी होगी इसके अंदर। मैं बात सब, और नहीं तो क्या भाई 5-6 लाख की होगी। शिनचैन का तो पंगा है, तुमने गाड़ी निकाल दी? हाँ जी सर जी, और कलर भी करवा दी। ओ भाई साहब अपनी ऑडी Q820 निकाल चुकी है गाइस इन लोगों ने। अरे भाई सस्पेंशन सर लो कर दिए थे। अच्छा भाई अच्छा, चलो भाई इसको लेकर के चलते हैं डॉन की बैजिंग के पीछे। भाई साहब देख रहे हो ना गाइस, मतलब यार अपना अलग ही टोरा है भाई साहब, अपनी भी गाड़ियों का और अपना सब कुछ चीज सिस्टम है भाई बिल्कुल ही। ओ तो चलते हैं, आप देखते हैं यार, हम भी देखते हैं शिनचैन को किस टाइप की गाड़ी अलॉट हो रही है। मैं थाने तक तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि शिनचैन को मैं बीच रास्ते में बुला लूँगा कि भाई साहब तेरे को कैसी गाड़ी अलॉट हुई है बता दे। लेकिन यार शिनचैन के साथ ना इंसाफी हुई है यार, पुलिस वालों को पहले इतनी महंगी गाड़ी देनी नहीं चाहिए थी। अब शिनचैन को बेचारे को उस गाड़ी की आदत लग रही थी, और उतने में अब शिनचैन को बेकार गाड़ी दे देंगे, तो शिनचैन के लिए तो ये डिमोशन टाइप सा हो गया ना, प्रमोशन नहीं डिमोशन गाइस। तो ऐसे गलत चीज है। अरे सॉरी भाई सॉरी। अरे भाई डॉन हूँ, लेकिन यार मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता, बस मैं पावरफुल में रहना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहता। तो गाइस चलो मैं जल्दी से पहुँचता हूँ शिनचैन के पास, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। सर तो फिर करिए अनबॉक्सिंग अपनी गाड़ी का। ठीक है मैं करता हूँ गाइस, अब मैं खड़ी होकर के बात अब चल कर भाई शिनचैन जल्दी से। हाँ मैं करता हूँ सर जी, करिए 1 2 3। ओ भाई ये क्या क्या ये क्या बात सब, ये क्या है भाई, ये तो लंबोर्गिनी शिनचैन तेरी बैजिंग, मेरी बैजिंग नाम की। मैं तो सुन सुन के इसको पागल कर दूंगा। लंबोर्गिनी लिखा हुआ है, लंबोर्गिनी। अरे इस लंबोर्गिनी है रियल लंबोर्गिनी। अरे सर आपको तो ये बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई, बहुत बढ़िया गाड़ी मिल गई, मैंने सोचा नहीं था सर, हमने खुद नहीं सोचा था, आपने देखी नहीं थी? नहीं हमने नहीं देखी थी। सर आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिली है। अरे हाँ चलो मैं वापस से वर्दी पहनता हूँ। गाइज ये क्या गाड़ी मिल गई, हाहाकार मिल गई। शिनचैन बहुत बढ़िया बेहतरीन गाड़ी मिली है गाइज, ऐसी गाड़ी तो शिनचैन को मिल भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मिल गई। गाइज के अंदर बैठते हो, इसके डोर कैसे खुलते हैं? अरे मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, पहले मेरे को उठा, मैं गिर गया। ब्रूनो भाई तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो? ओ भाई साउंड सुना गाइज आप लोगों ने? भाई साहब क्या फील है इसमें। ओ भाई गाइस लंबोर्गिनी मिली है, क्या नाम है इसका? सर जी आप खुद पता कर लो, हमें खुद नहीं पता, लेकिन पुलिस की गाड़ी मिल गई आपको, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। चप्पू तुम ऊपर क्यों चढ़ गई? मैं तो ऐसे ही चढ़ गया। चप्पू सॉरी, मैं फिर तूने मारा मेरे को इस गाड़ी से। सॉरी भाई सॉरी। चप्पू तुम आ जाते हो बीच में यार, अब मैं क्या करूं? अरे सर आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिली, यू डिजर्व इट। अपना ऑडी ब्रांड लेकर के हम जा तो रहे हैं भाई यार, अब जल्दी पहुंचूं या जल्दी से शिनचैन को देखते हैं क्या गाड़ी। अबे पागल है क्या, बेवड़ा है क्या सर? सॉरी। अरे भाई एक सेकेंड, शिनचैन वहां पे खड़ा हुआ है। ये रहा पे बेटी की जान, इसको क्या मिल गया? ये रेड गाड़ी में कोई दफना भी दिख रहा है। मैं बात अब शिनचैन, अरे फ्रैंकलिन भैया आप आई हो? वो बेटी की जान ये क्या गाड़ी मिल गई तेरे को? अरे फ्रैंकलिन भैया लैम्बोर्गिनी। शिनचैन क्या गजब है ये। फ्रैंकलिन भैया एक राउंड मारो, साउंड सुनो।
अबे क्या साउंड है इसमें, फ्रैंकली भाई एक राउंड मार के आओ, देखो फिर पता करो कैसी है। शिनचैन ये तो बहुत बेहतरीन है गाइस, शिनचैन को लंबोर्गिनी मिल गई, ये तो मुझे लग रहा है बुगाटी से भी बेहतरीन है। अब बुगाटी चले जाए मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली भैया बुगाटी से पीएस गैंगस्टर की पहचान थी ना कि मेरी। हाँ अब तेरी अलग पहचान बन गई शिनचैन, वो भी लंबोर्गिनी से, और वो भी लंबोर्गिनी छोटी मोटी नहीं, बढ़िया बेहतरीन वाली लंबोर्गिनी। फ्रैंकली भैया मैंने देख लिया आपने ठोकी इस गाड़ी को, अरे सॉरी भाई शिनचैन गलती से लग गई। अरे फ्रैंकली भैया चलिए जल्दी से, अरे नहीं, अरे फ्रैंकली सर आप ये शिनचैन सर का तो बहुत ज्यादा क्राइम मिटाने हैं, शिनचैन सर आपके लिए क्राइम बहुत आए हैं, और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी आप लेकर के जाइए। ठीक है फ्रैंकलिन भैया आप क्या करोगे, मैं भी चल तेरे पीछे चलता हूँ। ठीक है चलते हैं, बाबा आसम मैं फ्रैंकलिन के साथ आता हूँ, भाई साहब क्राइम मिटाएगा, साले गोली हम पे पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ठीक है तुम्हारी मर्जी। अरे मैं भी तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, आई एम ऑन ड्यूटी गाइस, देख सकते हो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रैंकली भैया मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि यार उनका भाई ड्यूटी पे जा रहा है तो यार थोड़ा तो बनता है। और गाइस देखो गाड़ी कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताओ। भाई साहब फ्रैंकली भैया ठोको मत, शिनचैन गलती से लग गए यार, तू चला आराम से। गाइस देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है इस गाड़ी का, और इसका पीछे का स्पॉइलर भी उठता है गाइस, देख रहे हो ना ये पीछे का स्पॉइलर उठ रहा है, मेरे को तो लगा सिर्फ गाड़ी में ही उठता है, लेकिन गाइस इसमें भी उठता है जो कि बहुत बड़ी बेहतरीन बात है। अरे यार अब हो गया तो हो गया। चल भाई चल ठीक है भाई, ओके सो गाइस शिनचैन को मिल गई है शिनचैन की बेहद मन पसंदीदा गाड़ी। हटो 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 मेरे रास्ते से, हटो सायरन बजाऊंगा, हटो 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 हटो। अरे यार ये तो सायरन बजा करके साले सामने और आ गए, बाबा सब कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। अरे यार फ्रैंकली भैया शिनचैन तू ब्रेक क्यों मारता है, तू आराम से ब्रेक मत मारा कर, एकदम से ब्रेक मार देगा तो मैं स्पीड में आ रहा था पीछे। अरे फ्रैंकली भैया यार आप अब देखो, अब मैं फिर दूर भाग जाता हूँ, ठीक है भाग के दिखा तेरे में तो। अरे यार फिर यार ओके सो गाइस यार चलो यार मैं क्राइम मिटाने के लिए चलता हूँ, और आप लोग वीडियो को लाइक करें और बताएं आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है गाइस, कमेंट करके बताएं। बिल्कुल भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है, शिनचैन सर क्या बढ़िया गाड़ी है शिनचैन सर। अरे लोग पहचानने लग गए कि यार मैं पुलिस ऑफिसर हूँ यहाँ का, अरे वाह 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 ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। और ना गाइस अब चलो यार क्राइम ही मिटा लेते हैं, अब मैं कब से बोले जा रहा हूँ लेकिन क्राइम मिटा नहीं रहा हूँ, ए जादू है जादू है। अरे यार एक बात बताओ ये फ्रैंकलिन भैया किधर चले गए, ए चलो यार ये कहीं पे भी गए हो, मैं बात सब तू क्राइम मिटाने जा रहा नहीं जा रहा, चल रहा हूँ ना यार चुप बैठ चुप हो यार, तू मेरे को नौकर समझ रखा है अपना, मैं जब मन करेगा मैं तब जाऊँगा। मैं बात सब फिर तो तू चाह लिया, चल निकल यहाँ से तेरी आज की तैसी, भाई हम दिमाग खराब कर रहे हैं फ्रैंकलिन, हम अपनी मस्ती में चलते हैं। हाँ भाई अपनी मस्ती में चलते हैं भाई साहब, इसका जब कोई मतलब ही नहीं है, ये जब अपना हम पे ऐड करके बोलेगा तो ऐसे ही करेंगे फ्रैंकलिन भैया सर ही ना। अरे भाई अरे यार इस पर ब्रेक कितने अच्छे दबते हैं, हाँ भाई वो तो दबेंगे ही। सो गाइस क्राइम मिटाने में आ चुका हूँ, मेरे पे अच्छी खासी गन्स ले रखी है मैंने। अरे अरे यही डेस्टिनेशन है पहली जहाँ पे मेरे को क्राइम मिटाना है, सायरन नहीं बजाऊंगा क्यों, अरे यार नहीं मैं नहीं बजा रहा सायरन फ्रैंकलिन भैया, ओ यहाँ पे कुछ लोग हैं, अरे गाड़ी लेकर के चलना अंदर, अरे नहीं फिर पता चल जाएगा। अरे यार उनको शक हो गया भाई शिनचैन बहुत अच्छी तरीके से शक हो गया। फ्रैंकलिन भैया अभी मैं इनकी ऐसी तैसी करता हूँ, इनकी पार्ट लगाता हूँ, गन से मारूंगा, ए हटो, अरे अरे ये कौन हो गया पुलिस ऑफिसर लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे गाइस ये हुआ इनका सबसे पहला ब्लास्ट, अब जो भी आएगा मिट्टी में मिलेगा मेरे साथ। अरे गाइस यहाँ पे एक दो ही लोग हैं क्या, आज ये सारे लोग कहाँ गए इनके, अरे भाई इनकी सारी पब्लिक पता नहीं कहाँ पे जा चुकी है, और मेरे को सबको मारना, अच्छा भाग के गए हैं जानबूझ के, ओहो ये रहे, लो बेटा लो तुम भी लो मजा आया ना और खाओ ऐसी दावत के मजे लो। अरे अभी दिखाई नहीं दे रहे ये लोग पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, नहीं तो सालों की बहुत गंदी वाली वाट लगा था मैं। अरे गाइस क्या बोलते हो, वाट लगती नहीं लगती इनकी, बहुत बढ़िया तरीके से वाट लगती, अब कोई और भी हो तो बता दो भाई, मारूं मैं सबको। और गाइस जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो। अरे भैया ये कौन आ गया, अरे भाई पुलिस की वर्दी में फेक लोग। अरे शिनचैन सर हम तो आपकी सपोर्ट में आए थे और आप यार हमें फेक बोल रहे हो, शिनचैन सर दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अरे तो यार डरावा मत करा करो यार, ऐसे डरा दिया तुम लोगों ने। अरे फ्रैंकलिन भैया आप कहाँ पे हो, मैं यहाँ पर ही हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे लिए तेरी सपोर्ट में पुलिस आ गई है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहीं आपके पीछे तो नहीं पड़ी है, और नहीं तो क्या भाई मेरे पीछे पड़ी है। अरे गाइस मेरे फ्रैंकलिन भैया के पीछे पुलिस पड़ी है, अभी देखो फ्रैंकलिन भैया शिनचैन ये मेरे को मार रहे हैं यार, तू क्या कर रहा है, लो 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 फ्रैंकलिन भैया लो, आप चिंता मत करो। अरे मतलब अरे लो देखो अभी देखना क्या हुआ। अरे यार इधर आओ आप, मरोगे
भैया शिनचैन, अरे यार फ्रैंकली भैया क्या शिनचैन तू करना क्या चाह रहा है? अरे मैं अभी दिखाता हूँ इनको, देखो ये लोग आपको मारना चाह रहे हैं ना। अरे 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 हम मारेंगे हम मारेंगे, हम तेरे फैन नहीं है, तू हमारे इलाके में आकर के यहाँ पे ब्लास्ट कर रहा है। अरे यार फ्रैंकली भैया शिनचैन तू इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर नहीं है, पूरा लॉस सेंटर तेरे को जाने। अरे यार तभी तो मेरी झंड हो गई फ्रैंकली भैया, चल भाई चल। अरे अब उधर मत जाओ ना यार, मत बोलो उधर मत जाओ, मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं जा रहा। फ्रैंकली भैया आपके पीछे पड़ गई गाइस, ये तो उल्टा हो गया, यहाँ की पुलिस बहुत बेकार है भाई साहब, हमारे पीछे हमारी बंदे के पीछे पट रही है। लो जालो तुम मेरे भाई के मारोगे। ओ ये कौन है? अरे शिनचैन तू ऐसे काम क्यों करता है? अरे गाइस ये लोग ना दूसरी सिक्योरिटी है, दूसरे पुलिस ऑफिसर है, स्वैट वाले। अरे भाड़ में जाओ यार। अरे गाइस ये लोग मेरे को लगा मेरी हेल्प करने आए हैं। फ्रैंकली भैया आप निकल लिए? हाँ मैं निकल लिया। अरे तो हम भी निकल जाते हैं भाई साहब, ये लोग मेरे को कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ यार सही है, अब आसब मैं तभी तो बोल रहा था शिनचैन से दूर रहते हैं, शिनचैन भाई हमारी बाट लगवा देगा। अरे यार मैं कहीं बाट नहीं लगवा रहा, एक तो मैं तुम्हें बचाता हूँ, ऊपर से यार तुम मेरे से ऐसा बोलते हो चौपो, ये तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब आसब नहीं आती क्या करेगा तू, दिमाग मत खराब कर। अरे चौपो शांत हो जा भाई, चल 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 जस्ट चल। अब आसब चल गाइज यार देखो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पे आ गई है गाड़ी और मेरे पे आ गई है पुलिस की पावर, और अब मुझे चाहिए गाइस प्रमोशन, क्योंकि गाइस ये जो पुलिस ऑफिसर दूसरे इलाके के पुलिस ऑफिसर मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं ना गाइस, मैं सब देख रहा हूँ, मेरे भैया के चक्कर में ये मेरे को भी लपेट रहे हैं। अच्छा भाई साहब चलो कोई बात नहीं, हम इनको भी लपेटेंगे और फ्रैंकली भैया को भी बचाएंगे। देखा गाइस इन्होंने फ्रैंकली भैया को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि फ्रैंकली भैया इधर आकर के क्राइम कर चुके हैं डॉन वाले में, तो गाइस इन्होंने फ्रैंकली भैया को पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मेरी लड़ाई हो गई इनके चक्कर में। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, इनकी भी मैं वाट लगाऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है। ये क्या हुआ? अरे गाइस ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी ऊपर है, कोई जब्त तो निकल लेगा ना। शिनचैन मैं तेरी गाड़ी आकर बचाऊं क्या? अरे यार कैसे भी करके बचाओ यार मेरी गाड़ी यार, मैं कैसे भी करके। तो गाइस चलो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, पीएसएस गेमर को जरूर से इंस्टाग्राम भी फॉलो कर ले गाइस।